एक बार हटा के, एक बार सटा के, बीच में टपका के, भैया नहीं। कुछ ऐसा करे कमाल कि तेरा हो जाऊं, कुछ ऐसा करे कमाल कि तेरा हो जाऊं। अभी किसी और कहूं फिलहाल, किसी और कहूं फिलहाल कि तेरा हो जाऊं, तेरा हो जाऊं। हेलो दोस्तों, आप लोग के अपने प्यारा सेगुरु चैनल एग्जाम एनर्जी में स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं 11 से गुना करने का ट्रिक। कुछ नया टॉपिक है 11 से गुना करने का ट्रिक, जिसका नाम है एक बार हटा के एक बार सटा के। ठीक ना, एक बार हटा के एक बार सटा के, इसको बहुत बने से ध्यान देना है। 11 से गुना करने का ट्रिक, यहाँ पर एक बात को और नोट करना है कि यह जो ट्रिक लागू होता है ना, 10 से लेकर के 99 तक संख्या के लिए ही लागू होता है। 10 से लेकर के 99 तक संख्या के लिए लागू हो पाता है। ठीक ना, तो यहाँ पर देखते हैं एक बार हटा के एक बार सटा के जो ट्रिक है, इसको यहाँ पर 12 गुने 11 करना है। ऐसे ही 10 संख्या लेते हैं, एकदम 5 सेकंड में आप बनाइएगा, खूब बढ़िया से बनाइएगा, एकदम कभी नहीं भुलाइएगा। देखो इसको क्या करना है, इसमें ट्रिक है कि एक बार हटा के एक बार सटा के, तो जो 11 से किसी भी संख्या में अगर हम गुना करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक ना, कि 11 को कोई भी इसमें कोई बदलाव नहीं करना, 11 में कोई चीज बदलाव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 11 से गुना करना है तो उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो 11 में जिस संख्या से गुना कर रहा है उसको देखेंगे, तो यहाँ पर कहा है 12, तो 12 को एक बार करेंगे हटा देंगे, यानी एक और दो को हटा देंगे। तो एक बार हटा के और एक बार सटा के मतलब दोनों को जोड़ देंगे तो 3 हो गया, और बीच में टपका के बात खत्म। एक बार हटा के एक बार सटा के, और सटा के जोन बात के बीच में टपका के, तो हो गया यहाँ पर। फिर इसको हटा दो, है ना, तो एक बार हटा के और एक बार सटा के, तो 1, 5, 6 और बीच में टपका के, है कि नहीं। यहाँ पर देखो 20 और 0 हटा दो और दोनों को जोड़ दो, 2 हो गया। इसको गुना कीजिए तो 2 और 8 हटा दीजिए और दोनों को जोड़िए तो कितना आ जाएगा 10। तो 10 से जब भी आपका 2 डिजिट का नंबर आएगा जोड़ने के बाद में, तो वहां पर एक ही अंक लिखना है। तो यहाँ पर 10 का यहाँ पर 0 हो जाएगा, 1 बचेगा तो 2 का 3 हो जाएगा, क्या होगा 3, समझे ना, इस तरह बनाना है। फिर यहाँ पर इसको करेंगे तो 3, 5 एक बार हटा के और एक बार सटा के, तो 2 और 3 को जुड़ेंगे कितना का, भाई 3 और 5 जुड़ेंगे तो कितना 8, तो 8 को बीच में टपका के, एक बार हटा के एक बार सटा के बीच में टपका के, भैया कि नहीं। फिर देखो 7, 4 ये दोनों को जुड़ेंगे तो कितना होगा 11, 11 का 1 है 7 जो हो जाएगा 1 बढ़ जाएगा, मतलब कैरी को जोड़ देंगे। फिर यहाँ पर 6, 6 दोनों को हटा के और एक बार सटा के, 6, 6 कितना होता है 12 होता है, तो 12 के 2 और 1 यहाँ पर 7। देखो इसको करेंगे तो 5, 5 दोनों को जोड़ेंगे तो 10, तो 10 के 0 और 1 जो बचा हासिल उसको 6 कर देंगे। फिर यहाँ पर 9 और 6 अलग अलग कर देंगे, ठीक ना, तो 9 और 6 को जोड़ेंगे कितना 15, तो 15 के 5 हाँ 1 हो जाएगा 10, ठीक ना। फिर इसको करेंगे तो 8, 8 तो 8, 8, 16, 16 के 6 और 8, 1, 9 तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा, ठीक ना। वीडियो अगर समझ में आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, है ना। फिर मिलेंगे, जय हिंद।